वैक्सीन कहते हैं। रेड्स किसी व्यक्ति को सांप काटने पर या फिर कुत्ता काटने पर कौन सा इंजेक्शन लेना चाहिए, यानी वैक्सीन लेना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में और साथ ही किस रोग में कौन सा वैक्सीन लिया जाता है उस वैक्सीन उस चीज़ के बारे में भी आज हम जानेंगे। तो चलो बाबू, उससे संबंधित कुछ हम तुमसे सवाल करेंगे, तुम उसका जवाब देना। ठीक है दीदी, पूछो। BCG वैक्सीन किस रोग से बचने के लिए दिया जाता है? टीबी से। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को और किन किन नामों से जाना जाता है? यक्ष्मा, तपेदिक, क्षय रोग, टीबी। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कलमेटे वेरी। DPT वैक्सीन किस रोग से बचने के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया से, काली खांसी से और टेटनस से। डिप्थीरिया को रोहड़ी भी कहते हैं, काली खांसी को कुकुर खांसी या फिर पर्टुसिस भी कहते हैं, टेटनस को लॉकजॉ या धनुष्कार भी कहते हैं। DPT का फुल फॉर्म क्या होता है? डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस और टी से टेटनस। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किसे कहते हैं? TPT को। कॉलेरा वैक्सीन किस रोग से बचने के लिए दिया जाता है? कॉलेरा यानी हैजा से। मम्पस वैक्सीन यानी MMR किस रोग से बचने के लिए दिया जाता है? मम्पस, खसरा और पोलियो से। रूबेला वैक्सीन किस रोग से बचने के लिए दिया जाता है? छोटी माता और जर्मन खसरा। रूबियोला वैक्सीन किस रोग से बचने के लिए दिया जाता है? खसरा से। टेटनस टॉक्साइड यानी TT वैक्सीन किस रोग से बचने के लिए दिया जाता है? टेटनस से। टाइफाइड वैक्सीन किस रोग से बचने के लिए दिया जाता है? टाइफाइड से। COVID-19 यानी कोरोना से बचने के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड और Sputnik 5। IPV तथा OPV वैक्सीन हमें किस रोग से बचाता है? पोलियो से। IPV का फुल फॉर्म क्या होता है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। OPV का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। हेपेटाइटिस वैक्सीन किस रोग से बचाने के लिए दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी से। PCV वैक्सीन किस रोग से बचाने के लिए दिया जाता है? निमोनिया से। PCV वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन। रोटा वैक्सीन किस रोग से बचाता है? दस्त रोग से। पागल कुत्ता, गीदड़, भेड़िया आदि के काटने पर कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? एंटी रेबीज। सांप के काटने पर कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? ASV यानी एंटी स्नेक वेनम। बच्चों के जन्म के तुरंत बाद कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? BCG का। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? 2014 में। भारत चेचक मुक्त कब हुआ था? 1977 में। विश्व में चेचक मुक्त कब हुआ था? 1980 में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।